इस वीडियो में डिजी लॉकर के जानकारी मिलने वाला है। वीडियो को पूरा देखें, क्या क्या बेनिफिट मिलता है डिजी लॉकर से। ठीक है दोस्तों, तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें सर्च बार में जाना है। यहाँ सर्च बार में लिख देना है, सर्च बार में लिखना है डिजी लॉकर। देखिए डिजी लिखते ही यहाँ डिजी लॉकर लिख के आ जाता है नीचे, ठीक नीचे उसके। ठीक है दोस्तों, उसमें क्लिक कर लेना है। इसको इंस्टॉल दिखाई दे रहा है, इंस्टॉल कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अपना इंस्टॉल कर लेना। चैनल में अगर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इस तरीके का वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। इंस्टॉलिंग हो रहा है, देखिए इंस्टॉल हो गया। अभी ओपन दिखाई दे रहा है, ओपन के बाद आ जाएगा। यहाँ लिख करके आपका सिलेक्शन करना है लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज में इंग्लिश रहने देता हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू इन इंग्लिश में नीचे क्लिक कर लेना है। जैसे नीचे क्लिक करते हो तो इस टाइप का आपका इंटरफेस मोबाइल का दिखने लगेगा। तो सिक्योर लिखा हुआ, ठीक है, ये सिक्योर है, कोई डरने वाली बात नहीं है। और इसमें हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए मौका मिलता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट करके देखिए, मैं नेक्स्ट कर दिया। जब लिख करके आ जाएगा इधर लेट्स गो, लेट्स गो में क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, मेरा इंस्टॉल हो रखा है, पैन कार्ड सब कुछ मेरा अपना डिजी लॉकर में है। ये मैं किसी और का डिजी लॉकर खोल दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए और उनके बेनिफिट के लिए भी। ठीक है दोस्तों, गेट स्टार्ट लिखा हुआ है, गेट स्टार्ट में क्लिक कर देना है। जैसे न्यू अकाउंट खोल रहे हैं तो क्रिएट अकाउंट में जाना है। तो इस तरीके से मैंने देखिए क्रिएट अकाउंट में क्लिक कर दिया। आप भी इस तरीके से क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल का इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा, पूरा एक फॉर्म आ जाएगा निकल के। इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। देखिए तो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ लिख दिया नाम, इस तरीके से आप भी अपना नाम लिख देना, डेट अपना यहाँ क्लिक कर लेना। डेट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है अपना देख लेना, अपना आधार कार्ड में कौन सा डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ 83 हमने डाल दिया। उसके बाद मेल फीमेल आता है, हमारा मेल है तो मेल में क्लिक कर देना। आपका फीमेल होगा तो फीमेल में क्लिक कर लेना। ठीक है दोस्तों, उस तरीके से मोबाइल नंबर डाल देना अपना। देखिए याद रखने वाली बात यह है कि मोबाइल नंबर वही डालना जो आपका आधार में मोबाइल नंबर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर अपना डाल लेना। उसके बाद आ जाता है सेट 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन, अपना सिक्योरिटी पिन डाल लेना इसमें। ये अपना सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी पिन डाला जाता है तो अपना डाल लेना। तो मैं एक सिक्योरिटी पिन बना लेता हूँ, इस तरीके से आप भी बना लेना। तो इस तरीके से आप भी एक पिन डाल लेना, मैं जिस तरीके से डाल लिया। उसके बाद आता है ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी डाल लेना इसमें। हमारा ईमेल आईडी यहाँ क्लिक करते हैं, अपना ईमेल आईडी हमारा आ गया। तो ईमेल आईडी हमने यहाँ डाल दिया अपना ईमेल आईडी, इस तरीके से आप भी अपना ईमेल आईडी डाल लेना। उसके बाद आता है आधार नंबर। ठीक है दोस्तों, ये भी एक आधार नंबर जब तक नहीं डालोगे आप तब तक सक्सेस नहीं होगा। तो मैं आधार नंबर डाल रहा हूँ, आप भी डाल लेना। इस तरीके से पूरी तरह चेक कर लेना, आपका कोई मिस्टेक तो नहीं है। चेक करने के बाद नीचे आ जाता है सबमिट लिखा हुआ, अपना सबमिट में जो है क्लिक कर देना है। थोड़ा साइनिंग होगा, उसके बाद एक ओटीपी आएगा उसी नंबर पे जो नंबर आपने डाल रखे हो। ठीक है दोस्तों, आता है फिर सबमिट में क्लिक कर देना है। जैसे यूजर नेम आता है, आप एक यूजर नेम बना लेना। तो जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ ऐसे आप कोई भी एक यूजर नेम बना लेना, डिफरेंट यूजर नेम। इस तरीके का यूजर नेम कोई नहीं यूज कर रखा है इसलिए हमारे यहाँ ये नहीं दिया। तो फिर आपने ट्राई करना, कुछ और ट्राई करना, जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ इसे। आप भी अपना नाम डाल के शॉर्ट में, उसके बाद मतलब अंक सब चेंज कर करके लिखना है, आप सिर्फ नाम लिखने से नहीं होगा। उसके बाद यहाँ सबमिट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से आपका लिख के आ जाएगा, जैसे हमारा यूज़र नेम लिख के आ गया। तो देखिए आप यूज़र नेम डालते समय थोड़ा ट्राई करना, आपको यहाँ फट से नहीं हो सकता है तो आप थोड़ा ट्राई कर लेना, बदल बदल के डालना है। जैसे बीपी डाल दिया, उसके बाद 1234 डाल दिया, उसके बाद @ लगा दिया। इस तरीके से आप कोशिश करना, कोशिश करने के बाद सबमिट कर देना। सबमिट जैसे करोगे आपको यहाँ लिख के आ जाएगा, योर यूज़र नेम विल बी सेट। ओके में क्लिक कर देना आप। जैसे आप ओके में क्लिक कर देते हो, जैसे ओके में क्लिक कर देते हो तो आपके पास इसका इस तरीके से लिख के आ जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, और हमारा अकाउंट खोल गया। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसे अकाउंट खोल के दिखाया, आप इस तरीके से अकाउंट खोल लेना। खोलने के बाद अभी जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले कैसे सेव करके रखना है अपना चीज़ों को, तो मैं दिखाता हूँ आपको। अपना आधार, जैसे आधार कार्ड लिखा हुआ है, जहाँ आधार कार्ड में हम क्लिक करते हैं, कार्ड क्लिक करने के बाद इस तरीके से आ जाता है इंटरफेस अपना मोबाइल में लिखा हुआ है। आई एग्री में क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप आई एग्री में क्लिक कर देते हो तो इस तरीके से पेज ओपन होके आता है, और उसके पास आपके पास फिर एक ओटीपी आ जाता है। उस ओटीपी को भर लेना है, भरने के बाद यहाँ सबमिट कर देना। जैसे मैं सबमिट कर दिया ऐसे कर देना। अब जैसे सबमिट करते हो तो योर आधार इज लाइकली योर सक्सेसफुली दिखाई देगा। इस तरीके से थोड़ा देर स्कैनिंग होगा और आपका आधार जो है फ्रंट में आ जाएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब हम होम में क्लिक करते हैं। जैसे मैं होम में क्लिक किया, अब होम में क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे चार ऑप्शन आता है, सर्च बार आता है, इशूड आता है और मेनू आता है। ठीक है, आप इशू में देखना है। जैसे अब मैं इशू में क्लिक किया, देखिए तो इशू में क्लिक करने के बाद हमारा क्या होगा, इशू ने आधार कार्ड को इशू कर लिया, तो हमारा हमेशा के लिए अभी इशूड में आधार कार्ड रहेगा। ठीक है दोस्तों, देख लेना ड्राइविंग लाइसेंस लिखा हुआ है तो इसमें गेट नाउ बोल के लिखा हुआ है। गेट नाउ में अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना है तो ड्राइविंग लाइसेंस में क्लिक कर लेना। उसके बाद पैन में क्लिक करना है तो पैन में क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी, अब हम RSC जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल लिखा हुआ है, इसी में हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ विक्रम प्रधान लिख के आ गया। ठीक है दोस्तों, जैसे उनका RSC है, उनका नाम से ये है सबसे ऊपर जो सबसे पहले दिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप कौन सा स्टेट से है तो अपना स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। हमारा आसाम का है तो AS से शुरू होता है, हमने डाल देते हैं AS। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर इधर जो लिखा होता है उसी नंबर रजिस्ट्रेशन के नंबर के नीचे ठीक चेसिस नंबर दिखाई देगा,
तो चेसिस नंबर को डाल लेना है अपना। तो चेसिस नंबर जो है नीचे एग्जांपल दिया हो, इसी तरीके से कैपिटल में डालना है और डल जाएगा। जैसे डल जाएगा, डालने के बाद क्या होगा चेक कर लेना आपका नंबर सही है कि नहीं है। चेक करने के बाद आप यहाँ गेट डॉक्यूमेंट्स में क्लिक कर लेना है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए फेचिंग हो रहा है अभी, तो उसके बाद वेट करते हैं लेता है कि नहीं लेता है, आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। देखिए हमारा यहाँ रजिस्ट्रेशन जो व्हीकल है, व्हीकल का नंबर भी ले लिया, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हमारा गाड़ी का RC है ये भी ले लिया। तो हमने अभी इशू में दो डॉक्यूमेंट इशू कर दिया, आपने देख लेना इस तरीके से सर्च करके। यहाँ बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है आपका पास, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा है यहाँ इशू में रखने के लिए। तो अगर हम अभी बाय द वे कहीं जा रहे हैं सड़क में, तो हमें पकड़ लिया ट्रैफिक वालों ने, तो हम अगर हमें RC दिखाना है या ड्राइविंग लाइसेंस आपने जो भी यहाँ सेट करके रखे हैं तो दिखाना है, तो डिजी लॉकर में क्लिक कर लेना है, अपना पिन जो डाले है पिन को क्लिक करके खोल लेना है। उसके बाद जो इशू वाला बटन है इशू में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने सेव करके रखा है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ निकल आएगा। आप देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, हमने जो सेव किया ये देखिए सारा यहाँ डिटेल्स निकल के आ गया। इस तरीके से आपका भी सारा डिटेल्स निकल के आ जाएगा, ये दिखाते ही आपका सब कुछ यहाँ पुलिस आपको छोड़ देगा या ट्रैफिक पुलिस आपको छोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, मैं इससे पहले एक वीडियो डाला था, उसमें बोला गया था जो जमीन के बारे में डाला था, कैसे मियादी के लिए जमीन अप्लाई किया हुआ है और उसको चेक करने के लिए क्या तरीका है। तो उस तरीका में अगर आपको डिजी लॉकर मांगता है तो ये डिजी लॉकर में जो पिन बनाया इस तरीके से आप पिन बना लेना, उसी पिन को वहाँ आप लॉगिन में दे देना है। जैसे लॉगिन में दे देते हो तो आप लॉगिन हो जाओगे। अब मैं जिस तरीके से अपना जमीन का डिटेल्स दिखाया था, आप भी इसी तरीके से अपना जमीन का डिटेल्स निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपका पिन आप भूल जाते हो तो फॉरगेट पिन आएगा आपको वहाँ जो जमीन वाला आपका वीडियो है, तो फॉरगेट पिन में क्लिक कर लेना है, आप न्यू पिन एक सेट कर देना है, बाद में डिजी लॉकर में वही पिन आप यूज़ करना। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। लेकिन याद रखना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इस तरीके का नॉलेजदार वीडियो आपको मिलते ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाय।